लखीमपुर खीरी कांड को लेकर एक सप्ताह बीत चुका है। इस मामले को लेकर प्रदेश में अभी भी सियासत हो रही है। राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहीं राजनेता मृतकों के परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। इस हादसे में यूपी के रामपुर के रहने वाले किसान गुरजीत सिंह कोटिया भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस हादसे के बाद भी किसान गुरजीत सिंह का परिवार अब भी किसान आंदोलन के समर्थन में खड़ा हुआ है। किसान गुरजीत की पत्नी का कहना है कि जो कुछ लखीमपुर में हुआ उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हरमनप्रीत कौर ने बताया कि लखीमपुर वाले हादसे के दौरान उनके पति की टांग टूट गई है, जिसका ऑपरेशन भी हो चुका है। उनका कहना है कि सरकार जो काले कानून लाई है उसे वापस ले, ताकि सभी किसान भाई अपने घर वापस जा सके। आंदोलन पे गए थे सर। कहाँ? आंदोलन पे गए थे किसान। कहाँ पर? लखीमपुर। अच्छा, तो क्या हुआ वहाँ पे? यही कि कह रहे पत्थर बर्फ किया है और गाड़ी चढ़ाई है उनके ऊपर, उनकी टांग भी टूट गई है और टांग का ऑपरेशन भी हुआ है। तो हम तो सरकार से बहुत ज्यादा परेशान है। जो कानून है वो वापस ले अपने, काले कानून जो उन्होंने दिए हुए हैं। तो आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसमें, जब पति आपके आंदोलन पे जाते हैं? तो परेशानी यही है कि घर को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, बुजुर्ग सुसर है हमारे, उनको भी मुझे देखना पड़ रहा है। वो तो रहते ही बाहर धरने पे हैं। ये कि परेशानी हम झेल रहे हैं, झेल भी रहे हैं सरकार की वजह से। अगर सरकार अच्छी होती तो हमें ये दिन देखने ना पड़ते। हम सरकार से परेशान हैं। आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं? हम तो ये कह रहे हैं जो काले कानून दिए हैं वो अपने वापस लें। किसान भी बेचारे बैठे हुए हैं, अपने परेशान हैं वो भी। किसान गुरजीत सिंह के परिवार की माली हालत तो ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन 10 महीने बीत जाने के बाद भी परिवार के लोग किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हुए हैं। खुद किसान गुरजीत सिंह की लखीमपुर बवाल के दौरान टांग टूट गई, मगर इसके बावजूद किसान की पत्नी, बेटी और ससुर केंद्र सरकार से काले कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। घायल किसान की बेटी का कहना है कि उनके पिता जैसे ही ठीक हो जाते हैं तो वो फिर से अपने पिता को इस आंदोलन में जाने देंगी। जाना तो चाहिए, अब सरकार अपनी नहीं ले रही कानून, जाएंगे। अच्छा, लखीमपुर में जो फादर के, आपके डैडी के साथ ये हादसा हुआ, टांग उनकी टूटी, तो क्या लगा आपको? अच्छा नहीं लगता। जब वो घर में होते थे तब अच्छा लगता था, अब नहीं अच्छा लगता। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? कि अपने कानून वापस लें। पापा सही हो जाएंगे तो फिर क्या आंदोलन, किसान आंदोलन में जाएंगे तो आप जाने देंगी? जी जाने देंगे। क्यों? अपने कानून वापस नहीं लेंगे तो फिर तो जाने देंगे। आपको डर लगता है? लगता तो है थोड़ा सा। आपको बता दें कि दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान पिछले 10 महीनों से तीनों कृषि कानूनों की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले सप्ताह लखीमपुर खीरी में डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम का किसान विरोध कर रहे थे। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके में 3 अक्टूबर को हिंसा भड़की थी। FIR के मुताबिक आशीष मिश्रा ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी से रौंदा और फायरिंग भी की। इस हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।